रीजनिंग समझाते हुए, इंटेलिजेंस समझाते हुए मैं एक एग्जांपल बच्चों को देता हूँ। एक बार एक टीचर ने क्लास में पूछा कि बच्चों ये बताओ, मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब ये सवाल डेटा सफिशियंसी का है कि जो सूचनाएं दी गई और जो प्रश्न पूछा गया उनके लिए दिए गए आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है, सवाल तो इस बात का है। तो कॉमन सेंस से कोई भी समझ सकता है कि डेटा सफिशियंट नहीं है, कुछ और बताना होगा, इतने से कैसे पता लगेगा। पर तब भी एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, आपकी उम्र 40 साल है। टीचर दंग रह गया कि यार आइंस्टीन का अवतार मेरी क्लास में बैठा है। बोले कैसे, मतलब इतनी गहरी सोच कैसे, एकदम सही आंसर निकाला तुमने, कैसे निकाला? और सर सिंपल लॉजिक है, मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं 20 साल के, वो आधे पागल हैं, तो मैंने गुणा दो कर दिया तो उससे मेरा अनुमान निकल गया। तो क्या होता है कि जब आप प्रश्नों का क्रम बदल बदल के प्रश्न करेंगे तो दिमाग थकेगा नहीं, दिमाग